अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अब्बास और खुश आमदीद हमेशा की तरह और हमेशा की तरह मौजूद मौजूद है मौजूद है पंजाब से आया मेरा भाई जब कह रहा था पंजाब गया था ना वहां से आया हमेशा की तरह मौजूद है एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो एक पोइट्री है बाय मानसी सोनी जिसका नाम है वो मुझे खोने से डरता है। तो कौन डरता है क्यों डरता है वीडियो देखते हैं बाकी बातें सुनिए हमारी वीडियोस के ऑडियो वर्जन सिर्फ खबरी ऐप पर अभी डाउनलोड करें। एक पता पूछना है मुझे हंसते हंसते बता दो। ऐसा से लफ्ज उतार लिया है कागज पे मैंने। अरे भाई सुनो जरा सोशल हाउस का रास्ता बता दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानसी है, मैं अमृतसर से आई हूँ और मैं आपके सामने एक नज्म पढ़ूंगी और उसके बाद कुछ पंक्तियां हैं, फिर मैं आपसे विदा लूंगी। तो ये जो नज्म है इसका नाम है कि वो मुझे खोने से डरता है। जाहिर है इस नज्म से कि किसी से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ और वो मुझे खोने से डरता है। एंड यकीन करिए कि ये सबसे खूबसूरत एहसास होता है जिंदगी में कि जब आपको किसी इंसान ने एहसास करवाया कि वो आपको खोने से डरता है। तो शुरू करती हूँ कि अपने 100 गमों को परा रख, कि अपने 100 गमों को परा रख, मेरा बस वो एक गम मिट जाए, ऐसी दुआ करता है। शुक्रिया कि अपने 100 गमों को परा रख, मेरा बस वो एक गम मिट जाए, ऐसी दुआ करता है। जी हाँ दोस्तों, उसका इश्क इस कदर मेरी रूह को छुआ करता है, कभी ख्वाब में भी देख ले मुझे दूर जाते खुद से तो मेरे माथे को आकर चूम लिया करता है, मेरे माथे को आकर चूम लिया करता है। मैं खुश नसीब हूँ कि वो मुझे खोने से डरता है। शुक्रिया कि शिकायतें तो लाखों रहती होंगी उसे भी मुझसे, कि शिकायतें तो लाखों रहती होंगी उसे भी मुझसे, मगर करे मेरा कोई जिक्र तो तारीफों के पुल बांध दिया करता है। गवारा नहीं उसे कि कोई गंदी नजरों से देखे मुझे, कि गवारा नहीं उसे कोई गंदी नजरों से देखे मुझे। कमजोर मैं ना पड़ जाऊं इसलिए वो अक्सर मेरे कंधे पर अपना हाथ रख लिया करता है। शुक्रिया कि मेरी हर गलती की माफी है उसके पास, मगर मुझे कभी गलत करार नहीं करता। बेएतबारी लफ्ज मुझसे कोसों दूर रखता है, वरना कब का कह जाता मैं तुझसे प्यार नहीं करता। ठंडी है। शुक्रिया कि मेरे ऐब मेरी खामियां अपनाने की हिम्मत रखता है, मेरे ऐब मेरी खामियां अपनाने की हिम्मत रखता है, और परफेक्ट की बात जहां आए उसे अक्सर मेरा चेहरा दिखता है। कि शुक्रिया कि देखने की तलब जब भी होती है उसे वो बेवक्त मुझे वीडियो कॉल करता है। मैं खुश नसीब हूँ वो मुझे खोने से डरता है। रिजवान हो सकता। वो सड़क पे चलते वक्त जब मुझे सेफ साइड पर करता है, कि वो सड़क पे चलते वक्त जब मुझे सेफ साइड पर करता है, कब तक उसकी पना में यूं रह पाऊंगी सोचकर मेरा मन सा भरता है। यूं इस कदर महफूज रखने के वादे तो उसने मुझसे किए कि यूं इस कदर महफूज रखने के वादे तो उसने मुझसे किए नहीं, फिर भी निभाए जा रहा है, खुद हजारों बोझों के तले दबा हो बताएगा नहीं, और मुझे जिंदगी जीने का हौसला दिया जा रहा है। इस पे मैं आपकी खास तवज्जो चाहूंगी कि लड़ाई को वो सिर्फ लड़ाई समझकर मसला सुलझाकर मुझे सीने से लगाता है। यूं मुझसे दूर जाने के वो बहाने नहीं करता है। मैं खुश नसीब हूँ कि वो मुझे खोने से डरता है। रो दूं अगर मैं तो वो भी कमजोर पड़ जाता है। आंसुओं की वजह तो पता चले जनाब, वो उस शख्स क्या उसके खानदान से लड़ जाता है। मेरे मुस्कुराने से उसकी सांसों की गिनती बढ़ जाती है। इतनी अहम हूँ मैं उसके लिए कि मेरे मुस्कुराने से उसकी सांसों की गिनती बढ़ जाती है। इतनी अहम हूँ मैं उसके लिए, वो ये बात मुझे बैठकर प्यार से समझाता है। मोहब्बत है तुमसे कभी खुलकर बोल नहीं पाता।
मगर यकीन करें ये बोलने से पहले मुझे ये एहसास कराता है सारे जहां की खुशियां इकट्ठी करके उसके कदमों में रख दूं ऐसा मेरा भी दिल करता है मैं वाकई खुशनसीब हूं कि वो मुझे खोने से डरता है और अंत में मैं लिखती हूं कि आजमाइश मैं भी क्यों करूं उसकी जिसने देख इतना प्यार करता हूं कहकर अपने दिए प्यार को कभी नहीं नापा जरूरी मतलब ऐसा होता है कि हम एफर्ट्स करते हैं किसी के लिए तो कोई बड़ा काम करते तो हम कहते देख देख इतना प्यार करता हूं इसलिए मैंने करा तो हम अपने प्यार को नाप रहे हैं तो उस पे लिखा है कि आजमाइश मैं भी क्यों करूं उसकी जिसने देख इतना प्यार करता हूं कहकर अपने दिए प्यार को कभी नहीं नापा लो आज सबके सामने कहती हूं मैं भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं पापा क्योंकि इससे बहुत चीजें ना बहुत शुक्रिया अगर थोड़ा सा वक्त हो तो मैं बोलना चाहूंगी अगर थोड़ा सा वक्त मुझे और मिले कि ऐसा होता है ठंडी बोल रहे हैं कि जब लड़की अपने माँ बाप के घर में होती है ना तो उसे जो प्यार मिलता है ना जो प्यार का वो लेवल होता है ना वो आगे कोई शख्स भी पूरा नहीं कर सकता सबको पता है मगर फिर भी वैसा प्यार वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड में तो या अपने प्यार करने वाले में तो किस तरह के शख्स को अपनी जिंदगी में बुलाना चाहती है एक लड़की की तरफ से लिखा है कि सो जाऊं मैं कभी ठंड में कि सो जाऊं मैं कभी ठंड में सोफे पर बिन जगाए मुझे कंबल उड़ाकर मेरे कमरे तक पहुंचा सको तो चले आओ कि खूब बारिश हो जिस दिन कि खूब बारिश हो जिस दिन और मैं जमकर भीग जाऊं बस करो बीमार पड़ जाओगी कहकर छत से मुझे नीचे पुकार सको तो चले आओ भूख नहीं लगी कहकर जिद करूंगी भूख नहीं लगी कहकर जिद करूंगी जब एक एक निवाले को अपना नाम देकर खिला सको तो चले आओ शुक्रिया कि बिन कहे मेरी ख्वाहिशों को कोई समझ आए इतना काबिल कोई नहीं मेरी नजरों में कि बिन कहे मेरी ख्वाहिशों को कोई समझ आए इतना कोई काबिल नहीं मेरी नजरों में मगर हाँ मेरी आधी जुबान से निकली चीज को कुछ पलों में तुम मेरे हाथ में थमा सको तो चले आओ शुक्रिया कि जिस दिन गूंजे ना मेरी हंसी कि जिस दिन गूंजे ना मेरी हंसी मगर चेहरे पर मेरे मुस्कान हो किस बात का गम है पूछकर मुझे सीने से लगा सको तो चले आओ मेरी छोटी सी छोटी खुशी के खातिर अपनी लाखों खुशियों का गला दबा सको तो चले आओ कभी बन ठन के घूमने जाए कहीं पर कि हम दोनों कभी बन ठन के घूमने जाए कहीं पर मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगने के बाद भी लाओ तुम्हारी एक तस्वीर खींच दूं कह सको तो चले आओ बहुत शुक्रिया और बस ये दो लाइनों के बाद मैं आपसे विदा लेती हूँ कि माँ बाप सी मोहब्बत मुझे कोई नहीं कर पाएगा ये यकीन है मुझे कि माँ बाप सी मोहब्बत मुझे कोई नहीं कर पाएगा ये यकीन है मुझे मगर उनकी थोड़ी सी भी छवि तुम मुझे खुद में दिखा सको तो चले आओ बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त उल्टी हरकतें कर रहा मेरे जो पॉइंट है वो सारे मिस कर रहा है उसके अंदर बहरहाल क्या कहते हैं बहुत अच्छी वीडियो थी बहुत अच्छी पोइट्री थी जिस तरह ये आगे बढ़ती गई उसका हाँ नहीं इसकी वीडियो जो बढ़ती रही इसकी जो पोइट्री आगे बढ़ती गई तो फिर पता चलता गया बाकी में शुरू में किस तरह की वो बात कर रही है शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद कोई अपने बॉयफ्रेंड के पास जब उसने कहा ना कि जब मैं चलती हूँ राह पे तो मुझे सेव करता है कि कोई बल्कि रोड पे चलते हुए मुझे सेव कर देता है तो यकीन जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी यही करता हूँ जब मैं जाता हूँ ना मेरी बेटी के साथ जाती है सीधे ने तो मैं कोशिश करता हूँ उसको साइड में कर दूँ मैं इस तरफ हूँ ताकि जहाँ से गाड़ी ट्रैफिक का गुजर होता कि खुदा ना खासा अगर ऐसा हो तो इसको ना लगे भले मुझे लगे उसे कुछ ना हो उसके अंदर तो यहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट फिर मैंने इस पर तवज्जो मेरी इस पर वो हुई इस पोइट्री के ऊपर तो वाकई में जो दर्द बाप का होता है तो जब आप उस लेवल पर पहुँचते हैं जब वहाँ पर आते हैं तभी आपको एहसास होता है कि वाकई में क्या चीज़ होती है हम जिस तरह जिसकी बेटी को घर पे ला कर उससे हम दो मिनट के अंदर उसकी इंसर्ट कर देते हैं दो मिनट के अंदर से हम क्या बोलते हैं कि निकल जाए यहाँ से घर से और छोटी सी बातों पे हम लड़ पड़ते हैं उससे और फिर ये एहसास दिलाते हैं कि ये घर उसका नहीं है ये तो मेरी जगह है ये मेरा घर है या बेटा इस तरह बोलता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए तो उसने अच्छी कही कि थोड़ी सी शबी भी मेरे पेरेंट्स इतनी अगर प्यार कर सकते हो तो चले आओ हकीकत है वाकई में जो बीवी होती है जो लड़की होती है
वो अपना सब कुछ, अपना घर बार जहाँ पे उसने बचपन बिताया होता है, जहाँ पे उसने सब कुछ सीखा होता है, जिस बाप की, जिस माँ की उंगली पढ़कर चली है, वो समझी है, चलना सीखा उसने, जो इतना प्यार करने वाले, यानी कि दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा प्यार करने वाली कोई हस्ती नहीं होती, वो उनका दामन छोड़कर आपकी उंगली पकड़ लेती है, आपको पकड़ थाम लेती है, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो हमें कदर करनी चाहिए। हम कभी जहेज के नाम पर, कभी अपने उसने खाना अगर नहीं पकाया तो उसके नाम पर, कहीं ज़्यादा काम नहीं कर पाई आपका तो उसके नाम पर हम उसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ताने देते हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये नहीं करना चाहिए। उस शख्स की, उस लड़की की कदर करनी चाहिए जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है, आपको खुश करने के लिए आई है, आपको खुशियाँ देने के लिए आई है, ना कि आपकी नौकरानी बनने के लिए नहीं आई। वो करती है, वो अच्छी बात है, उसमें करती है, अगर वो काम करती है वो अपना समझ के करती है आपको, तो आपका भी इतना ही फ़र्ज़ है कि आप कोशिश करें कि उसके माँ बाप से भी ज़्यादा उसको प्यार करें। मतलब कि वो वाला प्यार जो उसमें कहते हैं एक छवि, यानी एक एहसास तो हो उसको, एहसास से ज़िम्मेदारी हो उसको कि वो ये बोल सके कि नहीं यार, उसको एहसास हो कि नहीं यार ये मुझे बड़े मेरी केयर करते हैं। मैं अगर थोड़ी सी, जिसने कहा ना कि अगर मैं बारिश पर बारिश तरह नहा रही हूँ और मैं भूल रही हूँ, तो वो ऊपर नीचे से आवाज़ देकर अरे बीमार हो जाओगे, नीचे आ जाओ। तो ये एहसास सिर्फ ज़बान से बोलने के नहीं बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है, ताकि उसको भी लगे कि नहीं यार, मेरा शौहर या मेरा चाहने वाला या मुझे मोहब्बत करने वाला वाकई में मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। तो इसका एहसास दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाप के लिए ठंडी थी तो रिजवान ने कहा ये ठंडी थी, वाकई में स्टार्टिंग में ठंडी लग रही थी, मगर जब मैंने कहा ना कि जब वो बेटी वाली बात आई, जो उसने वो आई, तो जो हकीकत कहते हैं ना कि माँ बाप सांझे होते हैं, चाहे वो दुनिया किसी भी हिस्से में हो, उनका प्यार अपने बच्चों के लिए, चाहे वो अब मशरक़ बईद में हो या मशरक़ वस्ता में हो या एशिया में हो या यूरोप में हो या अफ्रीका में हो, मगर चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो एक बहुत एलीट क्लास के से करते हो, चाहे वो एक किसान के घर के बच्चे हों, मगर उनके अपने औलाद के लिए प्यार एक जैसा ही होता है। तो फ़र्क नहीं होता उस मोहब्बत का, उस प्यार का, हम उसके पैमाने को नाप नहीं सकते जो एक माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो थी। क्या नाम था इनका, मानसी सोनी, बहुत सोनी थी सोनी मगर इसकी शायरी ने इसको ना बड़ा सोना कर दिया, तो बहुत ज़बरदस्त। आज मैं आज के लिए थोड़ी सी ठंडी बगल भाई अगर आप लोग सुन रहे हो, इसका जैसे ही जब वो चेंज हुआ ना टर्न आया ना, तो मैंने लगा बस इस वीडियो में भाई बोलेंगे, मैंने काफी चीजें देखी ना उसके अंदर, जो उसमें चीजें थी तो मुझसे बहुत रिलेट करती थी चीजें, तो मैं अक्सर चीजें करता था अपनी बेटी, ये बेटी का बेटी एक पढ़ रही है ना अपने बाप के लिए, पापा के लिए, तो जिसकी बेटी कवर हो गया, भाई का हो गया, बच्चा खासा हो गया, मतलब जिसकी बेटियां होती है तो उसे पता होता है वाकई में क्या होती है, और बेटियों से क्या होता है, और बेटियों से संसार होता है, बेटियों से क्या कहते हैं प्यार होता है, बेटियों से मोहब्बत होती है, और बेटियां क्या कहते हैं आखिरी दम तक माँ बाप के। शुरू के 4 मिनट में भी यही बेटी थी, लेकिन कोई नहीं, किसी की बेटी तो तब भी थी 4 मिनट उस टाइम ठंडी थी, बहरहाल क्या कहते हैं थोड़ी सुनी थी, बाद में सोना हो गया। हमें जान लीजिएगा इससे पहले कि और भोंके करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस सुनी को और सोना कर दे, इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। बहुत प्यारी नजर पड़ी इन्होंने आगे में, जब हमें एहसास हुआ तो मैं अपनी गलती का एडमिट करता हूँ कि हमेशा कहते हैं ना कि आपको किसी को फौरन से देख के ही नहीं अंदाज़ा कर देना चाहिए, और ये बड़ी बात है कि अगर आप कहीं गलत हैं तो अपने को एडमिट कर लें, ये भी एक बड़ी बात होती है, तो इसका भी हौसला होना चाहिए। जो मैंने आप सबके सामने कहता हूँ कि वाकई में आई एम सॉरी, क्योंकि मैं उस टाइम बड़ा कहता था, क्या बोल रहा था, ठंडी ठंडी बोल रहा था मैं उसके अंदर, आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत शानदार वाकई में, किसी का फौरन फर्स्ट टाइम देखने से एहसास नहीं होता जब तक आप कंप्लीट चीज़ ना देख लीजिए, मुकम्मल बात सुनने के बाद आप कुछ फैसला कर सकते हैं, एकदम नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने अपनी गलती एडमिट करता हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें याद दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।